अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शेबू मलिक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जीमेल का अकाउंट बगैर किसी नंबर के किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने जीमेल को ओपन करना है। जीमेल को ओपन करने के बाद आपने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स में आना है, जो कि सेकंड लास्ट है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ऐड अकाउंट में आना है, जो कि लास्ट पे है। फिर इसके बाद आपको 3-4 इंटरफेस नज़र आएंगे, गूगल का, आउटलुक का, याहू मेल, एक्सचेंज एंड ऑफिस एंड अदर। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए गूगल का अकाउंट, तो मुझे गूगल पे क्लिक करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लिक करता हूँ गूगल पर। गूगल पे क्लिक करने के बाद ये आपसे एक वेरिफिकेशन मांगेगा, आपने फिंगरप्रिंट से वो वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद ये ले जाएगा आपको स्क्रीन की तरफ। आपने क्लिक करना है क्रिएट माई अकाउंट पे। आपने यहाँ नेम देना है, जो आप नेम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये नेम है, और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नेम देना चाहते हैं वो रख लें। उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी हो आपकी। उसके बाद आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। फिर आप यहां से अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको 2 चॉइस हैं। इसके अलावा आप क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस और भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से कोई एक चूज़ कर लेता हूं। यहां से मैं सेकंड वाली चूज़ कर ली। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां आपको पासवर्ड देना है, जो कि आपको बाद में भी याद रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ये पासवर्ड दे देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी दे सकते हैं। देने के बाद फिर इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यस आई एम इन स्क्रॉल डाउन करके यस आई एम इन पे क्लिक करना है। उसके बाद रिव्यू योर अकाउंट इन्फो पे नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद प्राइवेसी टर्म्स को आई एग्री करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि सारी आपको गूगल सर्विसेज अलाउ कर रहा होता है, टोटल सर्विसेज जो भी हों। उसके बाद आपने ये इसका इंटरफेस मुकम्मल होने के बाद आपका अकाउंट यहाँ ऐड हो जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।